गैर कानूनी तरीके नाल कैनेडा विच रह रहे तकरीबन 5 लाख प्रवासियों लई जशन मनाउण दा समा आ गया है। जी हाँ, ट्रूडो सरकार इन्हां नूं पक्का करन दी योजना लिया रही है ताकि आर्थिक गुलामी दीआं जंजीरां विचों आज़ाद करवाया जा सके। बगैर इमीग्रेशन स्टेटस वाले ज़्यादातर प्रवासी खेतां विच काम करदे ने जां कंस्ट्रक्शन, केयरगिविंग, क्लीनिंग अते फूड प्रोसैसिंग खेतरां विच निगुणी तनखाह ते काम करन लई मजबूर ने। टोरंटो स्टार की रिपोर्ट मुताबक अजिहे प्रवासियों का सिर्फ आर्थिक शोषण ही नहीं हो रहा सगों मानसिक तसीहे भी बर्दाश्त करने पैंदे ने। गल गल ते इन्हां नूं इमीग्रेशन अफसरां कोल फड़ाउण की धमकी दित्ती जांदी है अते बेहद बदतर हालात विच काम करवाया जांदा है। टोरंटो मैट्रोपोलिटन सेंटर फॉर इमीग्रेशन एंड सैटलमेंट की रिपोर्ट कहती है कि गैर कानूनी प्रवासियों के मनुखी हकों की सीधे तौर पर उलंघना हो रही है। फैडरल सरकार का नवा उपराला हर वेले चिंता विच डुबे रहने वाले इन प्रवासियों लई आस की किरण लैके आया है। इस तो पहला कंस्ट्रक्शन सैक्टर के गैर कानूनी प्रवासियों नू पक्का करन लई छोटे पद्धर से इमीग्रेशन योजना ल्यांदी गई सी, पर इस बार योजना का घेरा वधाया जा रहा है। पहले पड़ा तहत किन्ने प्रवासियों नू PR दिती जाएगी इस बारे पता नहीं लग सकिया, पर सूत्रों मुताबक फैडरल सरकार इस पासे वड्डा कदम उठाउण लई वचनबद्ध है। माइग्रेंट वर्कर्स अलायंस फॉर चेंज दे कार्यकारी डायरैक्टर सैयद हुसैन ने तजवीजशुदा योजना नू इतिहासक करार दिंदिया कहा कि गैर कानूनी प्रवासियों नू इस तो बेहतर मौका नहीं मिल सकता। इमीग्रेशन योजना का खरड़ा तैयार करन दी प्रक्रिया तहत 3 माहरां नाल सलाह मशवरा किया गया है। नवी योजना पेश करदिया यह तय करना लाजमी होगा कि गैर कानूनी प्रवासियों नू इसका पूरा फायदा मिले। दूजे पासे इमीग्रेशन के कुछ हमायतियों का कहना है कि फैडरल सरकार नू प्रवासियों दीआं जरूरतां अते कैनेडियन अर्थचारे विच किल्लत वाले कामियां नू ध्यान विच रख के कोई फैसला लेना चाहिए है। दस्या जा रहा है कि बगैर इमीग्रेशन स्टेटस वाले प्रवासियों विचों ज़्यादातर कानूनी तरीके नाल कैनेडा पुजे, पर बाद विच हालात बदल गए अते कानूनी तौर पर कैनेडा विच रहण दा अधिकार खुस गया। मिसाल वजों स्टूडेंट वीज़ा वाले जो PR लैण विच असफल रहे, आरजी वर्क परमिट वाले जां पनाह दे दावे करन वाले इन्हां विच शामिल ने। इमीग्रेशन हमायतियां दा कहना है कि परमानेंट रेजिडेंट बनन मगरों इन्हां दा आर्थिक शोषण बंद हो जाएगा अते हेल्थ केयर सने होर समाजिक सेवावां दे हकदार बन जाणगे। इमीग्रेशन मंत्री शॉन फ्रेजर दे प्रेस सकत्तर एडन स्ट्रिकलैंड नू जदों योजना दे घेरे बारे पुछया गया तां उन्होंने कोई भी टिप्पणी करन तो ना कर दित्ती, पर इन्ना जरूर कहा कि कैनेडा सरकार गैर कानूनी प्रवासियों वास्ते वड्डा कदम उठाउण ते विचार कर रही है। नवी योजना बारे माइग्रेंट्स राइट्स नैटवर्क वालों दिते सुझावों विच सब तो पहला इमीग्रेशन हिरासत अते देश निकाले ते रोक लाउण लई आख्या गया है। इस मगरों अर्जियां दी मुफ्त प्रोसैसिंग यकीनी बनाउण ते जोर दिता गया है जो इमीग्रेशन सलाहकारां तो बगैर मुकम्मल की जा सके। माइग्रेंट्स राइट्स नैटवर्क की रिपोर्ट कहती है कि गैर कानूनी प्रवासियों विचों 44% वह लोग ने जिन्हां वल्लों पनाह मंगी गई पर दावे रद्द हो गए। कैनेडा विच गैर कानूनी प्रवासियों की जिंदगी नरक तो सौखी नहीं, जिन्हां नाल कदम कदम से धक्का किया जाता है। मैकमास्टर यूनिवर्सिटी विच राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर पीटर नायर्स ने कहा कि सब तो वड्डी चुनौती गैर कानूनी प्रवासियों की असल गिणती पता करन दी है। स्टैटिस्टिक्स कैनेडा के अंकड़ों मुताबक साल 2000 विच 66,000 लोग गैर कानूनी तरीके नाल कैनेडा विच रह रहे सन, पर 2018 तक यह गिणती वध के 4,29,000 हो गई। कैनेडा विच आखिरी बार जस्टिन ट्रूडो के पिता अते उस वेले दे प्रधानमंत्री पियर ट्रूडो ने 1973 विच 39,000 गैर कानूनी प्रवासियों नू पक्का किया सी। ब्यूरो रिपोर्ट, थंडर TV।